अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीबा और आप देख रहे हैं किचन विद अरीबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम, छोटे बड़े सबकी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, मेरे साथ रहें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, अगर आपकी कोई फरमाइश है रेसिपी की तो मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताया करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो रेसिपी लास्ट में शेयर करूँगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है दो बिग साइज़ के मैंगो, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। हाफ कप मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया है। एक कप मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है। तो मैंने यहाँ पे लिया है फूड कलर, तो मैंने लिया है यहाँ पे मैंगो एसेंस। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैंगो की प्यूरी बनाएंगे। तो अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। तो अब हम 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। तो व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी है, अब हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया है। तो अब हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम के अंदर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्हिपिंग क्रीम के अंदर मैंगो प्यूरी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच। तो अब हम इसमें मैंगो एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब तो ये देखिए मैंगो आइसक्रीम हमारी तैयार है, अब हम इसे कंटेनर में ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितना मुलायम और ये स्मूथ है और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। तो अब हम इसे कंटेनर में ऐड करेंगे। तो आइसक्रीम हमारी तैयार है, इसको हमने अच्छी तरह कवर कर दिया है ताकि इसमें क्रिस्टल ना जमे। तो अब हम 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज करेंगे। तो 8 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही यम्मी लग रही है, आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।